हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से कि पियर्सिंग टूल में स्लग जाम क्यों होता है और कैसे होता है। सो फ्रेंड्स, आपने अगर कहीं पे देखा होगा, अगर आपका कहीं पंचिंग वाला टूल चल रहा है, पियर्सिंग वाला टूल चल रहा है, तो आपने देखा होगा कितनी बार कि जो स्लग होता है, जो होल होता है, उसमें स्क्रैप फंसा रह जाता है, आधा होल होता है आधा नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम यही बात करेंगे, वो जो आधा होल होता है और आधा स्क्रैप उसमें फंस जाता है, वो क्यों होता है। तो फ्रेंड्स, ये सब कुछ आपको जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि होल में स्लग जाम क्यों होता है और कैसे होता है। तो फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं कि आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यही बताने वाले हैं कि किसी भी होल में आधा होल क्यों होता है, जिसको हम स्लग जाम बोलते हैं। स्लग जाम का मतलब होता है फ्रेंड्स, आपको मैं इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि स्लग जाम क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये सब कुछ जानना है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि स्लग जाम टूल में कैसे होता है, वो भी पियर्सिंग ऑपरेशन में होता है। अगर आपको ये सब कुछ जानना है तो इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको तभी समझ में आएगा कि स्लग जाम क्या होता है, पियर्सिंग ऑपरेशन में स्लग जाम क्यों होता है, किसकी वजह से होता है। जो इतने मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, अभी आपको इसके आंसर बता के प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, ताकि आपको समझ में आ जाए कि स्लग जाम क्यों होता है, कैसे होता है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि स्लग जाम कैसे होता है, क्यों होता है। तो फ्रेंड्स, डेली की तरह देखते हैं छोटा सा वीडियो क्लिप, जिसमें आपको समझ में आ जाएगा कि स्लग जाम क्यों होता है, कैसे होता है। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं छोटा सा वीडियो क्लिप। तो दोस्तों, देखते हैं एक पार्ट के साथ जिसमें स्लग जाम हुआ है, और आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि स्लग जाम जो हुआ है उसको आप देखिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि स्लग जाम क्या होता है। तो देखिए, मैं हाथ से शो कर रहा हूं कि जो होल हुआ है स्लग जाम, और होता क्या है, जो कि स्लग जाम वो होता है जिसमें होल होता है बट पूरा होल नहीं होता, उसी को हम स्लग जाम बोलते हैं। जैसे कि आप डिस्प्ले पे देख रहे हैं कि होल हुआ है, लेकिन आधा ही होल हुआ है, पूरा जो स्क्रैप निकलता है वो स्क्रैप नहीं निकला हुआ है। और मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए अभी वो दूसरा पार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ हाथ में, जिसमें होल हुआ है। तो फ्रेंड्स, जिसमें होल हुआ है वो दिखा दिया, जिसमें स्लग जाम हुआ था वो दिखा दिया, अब आपको वो पार्ट दिखा रहा हूँ जिसमें होल हुआ ही नहीं है। अभी आपको मैं इसमें होल करके दिखाऊंगा कि स्लग जाम क्यों होता है और कैसे होता है। तो फ्रेंड्स, उससे पहले हम आपको दिखा देते हैं डाई और ऊपर का पंच, जिससे आप समझ जाओगे कि होल कहाँ पे होता है और स्लग जाम कहाँ पे होता है। तो फ्रेंड्स, देखेंगे ऊपर का पंच आपको दिखा रहा हूँ, नीचे का डाई बटन जहाँ पे होल होता है वो दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे जो आपकी एंट्री होती है वो पूरा होनी चाहिए, नहीं तो ये फर्स्ट चांस होता है कि आपका स्लग जाम होने का। अगर एंट्री पूरी नहीं हुई है तो आपका स्लग जाम होने का 100% चांस होता है कि आप स्लग जाम हो ही जाएगा। तो फ्रेंड्स, देखिए मैं आपको बगैर होल किया पार्ट लगा रहा हूँ मशीन में, और स्ट्रोक मार के दिखाता हूँ कि स्लग जाम कैसे होता है। तो फ्रेंड्स, देखिए मैं यहाँ पे पार्ट मार दिया, देखिए एक होल हुआ और एक होल नहीं हुआ, जिसमें हुआ है बट 75% कटा हुआ है, 25% नहीं कटा हुआ है, जिसको हम स्लग जाम बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, एक पार्ट और मैं आपको मार के दिखाता हूँ जिसमें कि स्लग जाम ही हुआ रहेगा। लेकिन आपको मैं फ्रेंड्स बता दूँ, स्लग जाम होने का ये सबसे बड़ा फंडामेंटल है कि आपका जो पंच का और डाई बटन का एंट्री पूरा नहीं होगा तो स्लग जाम आएगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, मशीन का जो शट हाइट है उसको थोड़ा और डाउन करेंगे और एक पार्ट फिर मारेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें आप देखोगे तो होल हो चुका है, इसमें स्लग जाम नहीं आया, क्योंकि मैंने अभी डाई बटन और पंच का जो होल का होता है कटिंग एज, उसको मैंने पूरा कर दिया, जिससे अभी होल होगा तो एकदम बराबर कटिंग होगा, जिससे कि आप देखोगे। और एक पार्ट मार के और दिखा रहा हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ध्यान से देखेंगे जो दो होल हो रहा है, एक होल का डाया है 10 mm, एक होल का डाया है 8 mm।
दोनों हो रहा है। और आपको दिखाने के लिए मैं एक पार्ट और मार के आपको दिखा रहा हूँ, जिसमें आप देखोगे ध्यान से एकदम अच्छी तरीके से होल हुआ है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं, कोई स्लग जाम नहीं। वैसे फ्रेंड्स हम आपको एक डायग्राम के माध्यम से बताते हैं कि यहाँ पे होल का क्या कंडीशन होता है, कैसे होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखोगे कि जो पंच है और जो मतलब कि जो नीचे है सीट है और जो स्क्रैप है, जो स्लग है, सबको मैंने यहाँ पे शो किया है, जिसके माध्यम से आप ये जान सकोगे। देखोगे कि सबसे ऊपर मैंने आपको दिखाया है कि पंच, उसके बाद सीट दिखाया है, उसके बाद स्लग दिखाया है, उसके बाद डाई बटन दिखाया है, उसके बाद सबसे नीचे जो आप देखोगे तो इसमें स्क्रैप दिखाया है मैंने। और उस साइड लेफ्ट साइड में आप देखोगे तो वहाँ मैंने लिख दिया पार्ट में स्लग जाम कैसे आता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, आपको देखने का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो आपका सीट है और जो पंच है ऊपर नीचे होता है, जिसके वजह से आपका होल होता है। और फ्रेंड्स सबसे मायने ये रखता है, आपकी एंट्री पूरी होनी चाहिए, नहीं तो 100% चांस होता है स्लग जैम आने का। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड्स जो अभी आपने वीडियो देखा, इसमें आपको मैंने बताया कि स्लग जैम क्यों होता है, कैसे होता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया हो कि स्लग जैम क्या होता है, कैसे होता है, और इसका जो मैंने आपको सलूशन बताया है, अगर ऐसे आप करोगे तो कभी भी आपका जो पियर्सिंग टूल है उसमें स्लग जाम नहीं होगा, आपका प्रॉपर होल होगा। तो फ्रेंड्स आपको इस वीडियो के माध्यम से अगर आपको पता चल गया हो कि स्लग जाम क्यों होता है, इसका अगर सलूशन भी आपको पता चल गया, आपको मैं करके दिखाया इसीलिए, ताकि आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया, ताकि आपको ये पता चल जाए कि स्लग जाम क्यों होता है। तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।